जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज़ मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। आज हम अपने क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, वन बाय वन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक्सरसाइज है हमारा 1.2, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपने बहुत पहले सीखा हुआ है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हमारे पास दो नंबर हैं यहाँ पर, हम उनको करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, रफ वर्क करते हैं। तो रफ वर्क में हमारे पास क्या है, 140 है पहला क्वेश्चन। हमने इसमें पहला क्वेश्चन लिया हुआ है और फिफ्थ क्वेश्चन लिया हुआ है। रेस्ट बीच के जो भी क्वेश्चन है इसमें आप घर पर सेल्फ ट्राई करिएगा, प्रॉब्लम आती है तो आप कॉन्टैक्ट करिएगा। 140 हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले प्राइम नंबर किससे सॉल्व होगा, 2 से, करेक्ट। तो 2 70 का 140, नेक्स्ट 235 जा 70, देन नेक्स्ट 5 से सॉल्व होगा, 3 से तो सॉल्व हो नहीं रहा है, 7 जा, देन 7 1 जा। नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम इसका लिखें, 2 × 2 × 5 × 7 बनेगा। अब 2 दो बार है तो हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 × 7। ये हमारा हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारा, और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ मैं इस किनारे सॉल्व कर दे रहा हूँ रफ वर्क में, आप इसको देख लीजिए। नंबर इज 7, 4, 2 and 9। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले ये 17 से सॉल्व होगा, 17, 4, 3, 7। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, 17, 437 टाइम्स करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट ये सॉल्व होगा 19 से, 23 टाइम्स, देन 23 1 टाइम्स। ठीक है, इसके पहले के जो प्राइम नंबर्स हैं उनसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, 17 से डायरेक्ट चालू हो रहा है, तो 17 से हो रहा है, देन 19 से हो रहा है, देन 23 से हो रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या क्या प्राइम फैक्टर्स में आए, 17 × 19 × 23। अब यहाँ पर कोई भी नंबर दो बार नहीं है, तीन बार नहीं है जिसकी हम पावर कर सकें, तो पावर जनरेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर सिंपली हम इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया कि किसी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कैसे रिप्रेजेंट करें, करेक्ट। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें सेकेंड थर्ड फोर्थ आप घर पर ट्राई करिएगा खुद से, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमने पढ़ रखा है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू n1 × n2, तो इसको मुझे वेरीफाई भी करना है, साथ साथ पहले पता करना है कि एलसीएफ और एलसीएम इसके क्या होंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, लाइक 26 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से, 13 टाइम्स, देन 13, खुद एक प्राइम नंबर, राइट। इसी तरह से हम 91 को भी सॉल्व कर लेते हैं, 91 को सॉल्व करेंगे तो पहले 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स में 13, देन 13 एंड 1, इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 26 इक्वल 2 × 13 एंड 91 इक्वल्स 7 × 13, करेक्ट। चलिए, तो अब यहाँ पर हमने इनका प्राइम फैक्टर कर लिया है। अब हम जानते हैं कि एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, सारे फैक्टर लेने होते हैं दोनों नंबर में जो इन्वॉल्व होता है और उनके मैक्स पावर वाले। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, इसमें 2 भी इन्वॉल्व है, 7 भी इन्वॉल्व है और 13 भी इन्वॉल्व है। 2 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, 7 की मैक्सिमम पावर भी 1 है और 13 की मैक्सिमम पावर यहाँ भी देखें तब भी 1 है और यहाँ भी देख रहे हैं तब भी 1 है। तो हम इनको सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करके हमको मिलेगा 182। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज 182। नाउ द एचसीएफ, एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, आपको याद होगा हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा हुआ था, लास्ट अपने वीडियोस में देखा था कि कॉमन लेते हैं, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं उनको लेते हैं, उनमें उनकी लीस्ट पावर। तो कॉमन इन दोनों में कौन है, केवल 13 है, लीस्ट पावर दोनों में देख रहे हैं हम 1 ही है, तो लीस्ट पावर 1 हुई, एचसीएफ इसका हुआ 13, करेक्ट। इस तरह से आपके पास इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3।
आप इसको घर पे ट्राई करिए, आगे फिर बताइएगा अगर प्रॉब्लम आती है आपको। नाउ द क्वेश्चन थ्री ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी आपने देखा उसी जैसा करना है, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज कितनी है, तीन, 17, 23 एंड 29। इसका सेकंड क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा। तो 17, 23 एंड 29, इनका हमें एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 17 भी एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, और 29 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अब इसको हम देख रहे हैं कि ये सब प्राइम नंबर हैं, तो एलसीएम एंड एचसीएफ कैसा निकलेगा वो हमारे पास थोड़ा सा आइडिया तो हो ही रहा है। अगर हम इसको एज अ प्राइम फैक्टर लिखना चाहें तो हम यही लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ हमें मिलेगा नहीं। आप एक बार देख लीजिए यहाँ पर, 29 into 1। अब एलसीएम के लिए हमने क्या कहा, सॉरी एलसीएम के लिए हमने कहा था कि सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे जो भी इस क्वेश्चन में या इन नंबर्स में आ रहे हैं, और उनकी मैक्स पावर 17 इन्वॉल्व होगा, 23 इन्वॉल्व होगा, 29 इन्वॉल्व होगा। अगर हम बात करें तो 1 यहाँ जो हमने लिखा है वो 1 भी इन्वॉल्व होगा, और इन सबको सॉल्व करके हमारे पास आएगी वैल्यू, कितना निकाला था मैंने, 11,339। ये इसका एलसीएम होगा इन तीनों नंबर्स का। और एचसीएफ की बात करें तो हम हमेशा यही कहते हैं कि कॉमन फैक्टर देखना है, वो भी उनकी लीस्ट पावर। तो 17 यहाँ कहीं नहीं है, 23 यहाँ कहीं इन दोनों में नहीं है, 29 इन दोनों में नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, केवल 1। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 1, राइट। समझ में आया आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, यानी कि एचसीएफ इन दोनों नंबर का 9 दिया गया है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। हम लिख लेते हैं, N1 इक्वल टू 306, N2 इक्वल 657 एंड एचसीएफ इक्वल टू 9, एलसीएम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है, तो इस एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, याद होगा आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू N1 इंटू N2। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है, एलसीएम एज इट इज हम लिख देते हैं। एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 9, N1 इज 306 एंड N2 इज 3657। नाउ दिस इम्प्लाइज एलसीएम इक्वल 306 इंटू 657 अपॉन 9। यहाँ पर हम इस वैल्यू को पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू टोटल आएगी 22,338। ये हमारा एलसीएम निकल कर आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो क्या है, इस रिलेशन को आपको याद रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू N1 इंटू N2। N1 N2 क्या है, दो नंबर्स जिनका एलसीएम और एचसीएफ हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, क्या 6n कभी, अगर हम सॉल्व करें उसकी वैल्यू निकालें, तो क्या कभी 0 से एंड होगा, यानी वंस प्लेस पे कभी हमें 0 मिलेगा। तो हमने कैटेगरी पढ़ रखी है कि कोई भी नंबर है अगर वो टू द पावर m इंटू 5 द पावर n टाइप का, इनके अगर फैक्टर्स आते हैं तब तो ठीक है, हमें एंड में 0 मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो अगर हम देखें 6n कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 होल टू द पावर n। अब यहाँ पर 2 और 5, जो 2 और 5 हमें चाहिए होता है, उसके अलावा हमारे पास फैक्टर मिल रहा है, प्राइम फैक्टर में क्या मिल रहा है, 3। तो अब ये कभी भी एंड विद 0 यानी कि 10 टाइप का, 100 टाइप का, 1000 यानी कि 10 की पावर n टाइप का तो कभी नहीं बनने वाला। तो नहीं बनने वाला, इसका मतलब क्या है, नो। आंसर क्या होगा, नो,
सिक्स टू द पावर एन नेवर एंड विद द डिजिट जीरो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टू और फाइव के अलावा अदर फैक्टर भी मिल रहा है, दैट इज थ्री, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सप्लेन व्हाई सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन, प्लस ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस है, प्लस थर्टीन एंड सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस फाइव आर कंपोजिट। कह रहे हैं एक्सप्लेन करिए कि ये दोनों नंबर जो भी हैं हमारे वो कंपोजिट क्यों हैं। तो ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। हियर इज सॉल्यूशन, सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन इज इक्वल टू, अब इन सभी को हम जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा आपको मिलेगा 1001 प्लस 13, और इसको भी अगर हम ऐड कर लेते हैं तो 1014 ये हमारे पास वैल्यू होगी। और इसका अगर हम प्राइम फैक्टर लेते हैं, ध्यान रखिएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर लेंगे तो वैल्यू मिलेगी 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा एंड दूसरा नंबर कहाँ गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको सॉल्व करते हैं। जो भी मल्टीपल में है हम सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2040 प्लस 5, फाइनली 2045। और इसका भी प्राइम फैक्टर अगर हम देखें तो क्या मिलने वाला है हमें, इसका प्राइम फैक्टर विट हमको मिलेगा 5 इंटू 409। ठीक है, 409 और भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो हो सकता है ये खुद एक प्राइम नंबर हो, अभी मैंने चेक भी नहीं किया है तो इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। और वैल्यूज यानी प्राइम फैक्टर जो नंबर्स हैं हमारे अप टू मैंने 32 तक, सॉरी 31 तक चेक कर लिया है, ठीक है ना, तो ये हो सकता है प्राइम नंबर हो, तो 5 का मल्टीपल मिल रहा है ये तो कर परफेक्ट है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इनके पास 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 है और यहाँ पर 5 इंटू 409 है। ठीक है, कंपोजिट नंबर बताने हैं, यानी ये नंबर जो हमारे पास आ रहा है सॉल्व होकर इनका भी प्राइम फैक्टर्स हैं, और ये हमारे कैसे हैं, जो भी नंबर आ रहा है वो 5 इंटू समथिंग हो रहा है, राइट। अब इनके अगर प्राइम फैक्टर हैं अदर देन 1 तो वो प्राइम नंबर तो नहीं हुए, फिर तो कंपोजिट नंबर होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर हमारे कैसे हैं, कंपोजिट नंबर है क्योंकि इनका फैक्टर्स अवेलेबल हैं, राइट, देयरफॉर दे आर कंपोजिट नंबर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, जो हमारे पास दो पर्सन हैं सोनिया एंड रवि, दोनों एक ही पॉइंट से एक ही टाइम स्टार्ट करते हैं। और क्या होता है, सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट लगता है, इसको 18 मिनट लगता है यहाँ पर इसको राउंड करने में, एक कंप्लीट राउंड लेने में, और रवि को वहीं पर 12 मिनट लगता है। क्वेश्चन इज कि एक बार दोनों ने साथ चालू किया, साथ का मतलब एक पॉइंट से और एक टाइम पर, तो दोबारा फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कब मिलेंगे, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स या मिनट्स, ठीक है ना, कितने समय बाद। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, दे विल बी अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट At least, common
पॉइंट एट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, एलसीएम की। यहाँ पर एट लीस्ट एक साथ हो गया, एट अलग और लीस्ट अलग, यानी कहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल पर ही वो क्या होगा, फिर से दोबारा देख नहीं रहा आई थिंक। तो दे विल मीट, दे विल बी अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों की जो वैल्यू है, जो एक राउंड लेने का टाइम है, उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकालेंगे उसके बेसिस पे। तो ईजी है, सिंपली आप प्राइम फैक्टर से कर लोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 6 अगेन 2 3 अगेन 3 1, यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 9 3 3 3 1, ये हमारे पास होता है ना, इस तरीके से हम करते हैं। तो 12 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 और 2 to power 2 × 3, नाउ 18 इज 2 × 3 to power 2, एक वैल्यू ये एक वैल्यू ये। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों फैक्टर लेने होते हैं, तो मैंने एक दोनों फैक्टर लिए, यानी कि इसके भी और इसके भी, तो यहाँ पर 2 और 3 के अलावा कोई फैक्टर भी नहीं है, और उनमें मैक्स पावर लेनी होती है, राइट। तो यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर किसके पास है, इसके पास है पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर मैक्सिमम किसके पास है, इसके पास है 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9, नाउ 36 मिनट, यहाँ पर एलसीएम क्या हुआ, 36 आया, यानी 36 मिनट बाद, स्टार्टिंग पॉइंट से 36 मिनट बाद वो फिर से क्या करेंगे, मिलेंगे एक साथ, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, आफ्टर 36 मिनट। थैंक यू।